निठारी कांड। दिल्ली के पास ही बसे नोएडा में एक जगह है निठारी, एक ऐसा एरिया जहां से एक तरफ सेक्टर 31 नोएडा के अमीर लोगों के बंगलोज दिखते हैं और दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की बस्ती, एक ऐसी बस्ती जहां के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले और हाउस हेल्प्स का काम करते हैं और देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। 7 मई 2006 की शाम को निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहां गई थी उसका फोन स्विच्ड ऑफ जा रहा था। जब काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। वो रिक्शे वाला D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहां छोड़ा तो था, पर वो बिना पैसे दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वो वापस आकर उसे पैसे देगी, मगर वो वापस आई ही नहीं। जब उसने घंटी बजाई तो उस घर का 36 साल का नौकर सुरेंदर कोली बाहर निकला और उसने कहा कि पायल वहां से चली गई है। जब रिक्शे वाले ने उसकी बात को झूठ कहा तो कोली ने एक ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंकी और उसे वहां से भगा दिया। ये सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ था। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, पर पुलिस ने उसको वहां से ये कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 years यानी 52 साल का मनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया, जिसने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मैजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि वो उसकी FIR दर्ज करें और उस पर तुरंत एक्शन लें। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच में 100 मीटर के एरिया में ही वो सारे बच्चे और लोग जो लापता हुए हैं आखिरी बार वहीं देखे गए हैं। इन्हीं 2 पुल के बीच में नाले के पास एक वाटर टैंक भी था जो कुछ गांव वालों के हिसाब से भूतिया था, और उनका मानना था कि वहां पर एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसलिए उस वाटर टैंक के नाले के आसपास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के स्ट्रेच को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वहां से बच्चे गायब होते रहे। पर वहां ऐसा क्या था? क्या सच में वहां कोई भूत था, या ये किसी गैंग या किसी सीरियल किलर का काम था? इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनिंदर सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया, पर मनिंदर ने कहा कि वो पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास प्रूफ भी था। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई। कई महीने बीत गए और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को
अचानक ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और वो ट्रैकिंग रडार पर दिखने लगा। पुलिस ने फौरन उस फोन को ट्रैक किया। वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि वो सिम सुरेंदर कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरेंदर कोहली जो मनिंदर सिंह पंडेर के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरेंदर कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को उनके बंगले से अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स शॉक में थे। वो तुरंत निठारी के पास बने उस नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहां जो मिला वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाली में कई पॉलिथिन्स थीं, जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल थे। एक लड़के का कटा हुआ सर, किसी के शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े चपले थीं, जो उन्हीं बच्चों की थीं जो लापता हुए थे। कुल मिला के उस नाले से 19 स्कल्स यानी 19 खोपड़ियां मिली। उन दोनों ने 19 लोगों का मर्डर किया था। पूछताछ में सुरेंदर कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल को मारा था। सुरेंदर ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और उसे मारने के बाद सुरेंदर ने लाश के कई टुकड़े किए और फिर वो उन्हें पकाकर खा गया। सुरेंदर ने यह भी बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था। जब सुरेंदर पर ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसने ये भी कबूला कि उसके सपने में एक सफेद बालों वाली साड़ी पहनी हुई एक औरत आती थी, जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरेंदर का ये कहना था कि वो पंडेर के कहने पर ही बच्चों और लड़कियों को टॉफी और नौकरी का लालच देकर घर के अंदर लाता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरेंदर उनको मारकर उनके डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खाता था। ये केस इतना भयानक था कि फौरन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिनके बाद उन दोनों को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी ये कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे इस चीज का कोई अंदाजा भी नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, इस क्राइम का मोटिव। खैर जो भी हो, इससे ज्यादा दरिंदगी भरा केस शायद ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी क्रिमिनल केस को हमारे क्राइम शो में कवर करें तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे नए चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।